हे गेम शो, कैसे हो? फाइनली हम हैदराबाद में, अगर जिसको स्टे करना है, 120 रुपये में मैं रुका हूँ और ये सकते हैं रूम, और पूरा आपको टूर कराता हूँ। डोरमेट्री है सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के ऊपर, तो पूरा बने रहिए, पूरी जानकारी मिलेगी कैसे आए, कहाँ रुके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो गाइस, अब हम निकल रहे हैं, आज कुछ नया डेस्टिनेशन है और सामान है बस पैक हो चुका है थोड़ा सा और बाकी है, हम नहा लिए हैं और 5 मिनट में मैं एकदम क्लियर हो जाएगा यहाँ से चेकआउट। और हम रुके हैं बहुत अच्छी जगह, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, उस पर डॉर्मेट्री है, बहुत अच्छी सुविधा है, क्लीनिंग है, सफाई है, स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, तो ठीक है वो भी दिखाते हैं। गाइस, तो फाइनली निकलने का टाइम हो गया, ठीक है। एक दो और बातें कि आप जो अपना कचरा रखते हैं, आई थिंक ये मेरा कचरा है, तो इसे डस्टबिन में डाल दें, और इस बॉटल को तो खास करके लोग कहीं भी अगर फेंकना हो तो इसको, ये देखो ये है ना, सीधा रहता है, इसको ये ऐसे जोर से फिट करें और इसमें डाल दें, क्योंकि बहुत जगह इसको मैन्युफैक्चरर भी इसी के रिसाइकल मतलब करके भी बेच देते हैं लोग, ये निकलेगा नहीं, और फिर इसको खत्म। तो आप अपना कचरा देखिए जरूर डस्टबिन में डाल दें, क्योंकि आप जहाँ स्टे करते हैं तो हर चीज़ होटल नहीं है, डॉर्मेट्री है, थोड़ा बहुत तो कहीं भी हो खुद को कोऑपरेट करना ही पड़ता है, ठीक है। ये जैसे मैंने पहले बताया भी था, अगर आपको ये ओरिजिनल पैरासूट का ऑयल लेना हो तो ये वाला है ना, ये वाला थंबनेल, ये एकदम ये होना चाहिए, दिस इज ओरिजिनल, पहले प्लेन आया करता था, मैंने एक वीडियो में बताया है। तो अगर पहले प्लेन आया था, काफ़ी सारे कॉपी निकल गए उसके, तो फिर उसके बाद में कंपनी ने कुछ नया सोचा और उसके लिए ये लॉन्च किया, कुछ नया प्रोडक्ट मतलब सिंबल उसका, ये ओरिजिनल की निशानी है, बाकी सब डुप्लीकेट है भाई। आपको हॉस्टल डॉर्मेट्री भी दिखा रहा हूँ, ठीक है, बन रहिएगा, तो चलो दिखाई देता हूँ। आई थिंक ये देखो, एक पर्सनल पंखा दिया है, लाइट है, चार्जिंग करने का पिन है, ठीक है, और यहाँ कहीं का लॉकर मतलब है, लॉकर मतलब थोड़ा सा बराबर नहीं है, लेकिन ठीक है, यहाँ पे लंच कर सकते हो, काम कर सकते हो, पर्सनल कुर्सी है, ठीक है, और एक अच्छा सा साफ सा बेड था, ठीक है। तो ये बेड है, बेड हो आपको खुद ही लेना पड़ता है, ये भी टांगने के लिए, ठीक है, और ये आई थिंक ये सेम सेम ऐसे है ऊपर का, देखो ये पूरे, देखो ये अपना है, आई थिंक डबल डोर रहता है, यहाँ पे ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ये है, ये जेंट्स के लिए सब, हाँ लेडीज़ के लिए भी यहाँ पे है, लेकिन कंपार्टमेंट अलग होगा, ये पर्सनल पंखा है, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन ज़्यादा बुकिंग होता है, ऑनलाइन भी आप बुकिंग करा सकते हो और बेहतर रहता है, ठीक है। दूसरा भी कंपार्टमेंट है, अगर इमरजेंसी में फुल हो गया तो दूसरा भी देते वो साइड में, ये टॉयलेट बाथरूम है, क्लीनिंग है, सफाई मतलब है ना कि उतना जैसे रहता है ना धान वगैरह उतना कुछ नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट का है, ठीक है, अच्छा है, कोई वो नहीं है, आपको दिखा है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, और दिखा रहा हूँ बाहर का। एक और ज़रूरी बात, आप कभी भी चेकआउट करें तो एक से दो बार ज़रूर अपने बैग से हर चीज़ चेक कर लें, बाय द वे कोई छोटा वोटा तो नहीं है, ठीक है, एक बार झुक के भी जरूर देखें, पता नहीं खजाना मिल जाए अंदर से अपना। जस्ट जोकिंग, मैंने देख लिया है, आई थिंक कभी कभी जल्दी जल्दी में है तो हो जाता है, ये हमारा बैग, हमारा सेटअप, इज गॉगल, इज फ्रंट बैग, आई एम गोइंग टू आउटसाइड। रेडी, ये बैग हम देंगे लॉकर में, ये साफ हो जाता है, और ये कचरा टाइप, ठीक, सॉरी, हाँ अगर कहीं भी जा भी रहे
तो ये बटन क्लोज करके जाए, ठीक है, हर जगह की बचत होनी चाहिए। तो बटन क्लोज करें और दिस इज डस्टबिन टाइम, डस्टबिन टाइम, ठीक है। तो थोड़ा सा सहयोग देंगे अच्छा रहे। तो ये है, आप चाहे तो ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी आ सकते हो। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से जस्ट ऊपर आओगे, डोरमेट्री भी पूछोगे तो भी मिल जाएगा, काफ़ी सारा रूम है, प्राइवेट रूम भी मिलता है, उसका कॉस्ट ज़्यादा होगा लेकिन अच्छा है, जो उतना भी नहीं है, बहुत ही बेहतर है। और क्लीनिंग भी है, देख लीजिए, सफाई है, फ़ैन है, अगर इमरजेंसी में भी हॉल में आके बैठ के खा सकते हो। सबसे पहले नंबर सफाई है यहाँ पर, और पानी वानी हर चीज़ बेहतर है, मतलब कोई चीज़ की कोई, मतलब आ रहे हो यहाँ पे ना तो जैसे अगर मेरी तरह सस्ते में बजट में रहना चाहते हो तो यहाँ पे ज़रूर, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं कि आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये कचरा नहीं है, बिल्कुल साफ़ और क्लियर है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर एक बार ट्राई करें, हैदराबाद आ रहे तो यहाँ पे रुके, एकदम इसके इतना कोई मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ये आप चलते हैं, कल मैंने देखा था, आई थिंक कल मैंने गूगल पे देखा था, आज का मौसम थोड़ा ख़राब होने वाला, काफ़ी कुछ गूगल ने बताया था, ऐसा मानसून लग भी रहा है, गूगल यानी भरोसा करना चाहिए गूगल पे, तो ऐसे भरोसा पे करता ही हूँ। तो अब हम चलते लॉक रूम में, और एक और ज़रूरी बात, आप कहीं भी स्टेशन पे जा रहे हो, ज़्यादा करके बड़े स्टेशनों पर हर जगह लॉक रूम रहता है, लॉक रूम में आप अपना सामान लगेज हैवी लगेज रख दें और हल्का जो है कीमती है कुछ ऐसा लगे उसे ले ले, और लॉक रूम में जाता करके सेफ भी रहता सामान, थोड़ा सा अगर बैग ऐसा टूटने फूटने वाला हो तो आप उसे बोल सकते हो कि बहुत थोड़ा संभाल के रखिएगा, ठीक है। और बहुत सस्ता रहता है यार, 15 से 20 रुपए लेते, 10 रुपए लेते, 10-15-20, ठीक है। तो हम पूछते हैं, ठीक है गाइस, तो हम लोग लगेज रूम में आ गए, हाँ लगेज रखिए, ऊपर रख दो क्या? नहीं नहीं, ये 20 रुपीज़ की पर्ची है, ठीक है। और यहाँ से तो हमने ले लिया है, ये 20 रुपये का पड़ा है, आई थिंक चीपेस्ट है, और प्लेटफॉर्म टिकट भी ले लिया था यार, चेकिंग ज़्यादा है, कई बार आया था किसी से पूछ के आया था तो बोला ठीक है, लेकिन जा रहे थे यार, 10 रुपये का तो सवाल है, हाँ लगेज लेके आना था, सुबह सुबह का पंगा हो रहा था, दिखा दे। पुणे राजकोट 3 बजे रहता ये 6 बजे मिलेगी ना औरंगाबाद के लिए, नॉर्मल टिकट मिल जाएगा ना, हाँ मिल जाएगा, थैंक यू गाइस। आई थिंक अब निकलने वाले नेक्स्ट जर्नी पता चल गया है, अगली जर्नी एक्चुअली नेक्स्ट जर्नी पता नहीं रहती हम लोग जाएंगे कहाँ, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया है, मुझे पता चल गया कि मुझे जाना है औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद अभी तो पहले जा ही रहा हूँ, फिर औरंगाबाद जाने का नेक्स्ट जर्नी। मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में।